भोपाल की गोविंदपुरा सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला देखा गया। हालांकि प्रत्याशियों की सियासी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, वहीं भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपनी अपनी जीत का दावा पेश कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। भोपाल की गोविंदपुरा सीट भाजपा का गढ़ कही जाती है, जहां पर 50% से ज्यादा वोटर पिछड़ी जाति से हैं। दिलचस्प बात यह है कि बाबूलाल गौर की उम्र के साथ ही इस सीट पर उनकी जीत का अंतर बढ़ता चला गया। 2013 के चुनाव में बाबूलाल गौर ने कांग्रेस के गोविंद गोयल को 70,000 वोटों के अंतर से हराया था। इससे पहले 2008 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस की उम्मीदवार विभा पटेल को 33,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। इस बार कांग्रेस ने भी बीजेपी के इस अभेद गढ़ को ढहाने के लिए इस क्षेत्र से दो बार पार्षद रह चुके गिरीश शर्मा को मैदान में उतारा है। गिरीश शर्मा ने इस मामले में गौर पर वंशवाद का आरोप लगाया है। इसके साथ ही कृष्णा गौर पर महापौर रहने के दौरान किए गए भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। मेरी पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया, मैं दो बार से वहाँ से पार्षद हूँ और गोविंदपुरा विधानसभा सभा में सतत संपर्क में हूँ। कहीं ना कहीं गोविंदपुरा की नब्ज मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं गोविंदपुरा में ही पैदा हुआ, गोविंदपुरा में पला हूँ और गोविंदपुरा में बड़ा हूँ। निश्चित तौर पर आज अगर वोटर लिस्ट में नाम चेक करेंगे तो गौर खानदान का नाम ही गोविंदपुरा में नहीं मिलता। ये तो गोविंदपुरा को गौरपुरा बनाने पर उतारू हो गए हैं। ये वंशवाद का जो ग्रहण गोविंदपुरा पे 44 साल से लगा था, कहीं ना कहीं अब उस ग्रहण की समाप्ति हो रही है। गोविंदपुरा की जनता ने एक बार आशीर्वाद दिया, दो बार दिया, तीन बार दिया, चार बार दिया, पांच बार दिया, 10 बार आशीर्वाद दिया, और गोविंदपुरा ने फिर इनकी पुत्रवधू को महापौर के रूप में 11वीं बार भी आशीर्वाद दिया। गोविंदपुरा ने 4-5 बार मंत्री बना दिया इनको, 10 बार का विधायक बना दिया, 1 बार का मुख्यमंत्री बना दिया। और यही तो जो मेरी प्रतिद्वंद्वी है कैंडिडेट कृष्णा गौर, यही तो भोपाल शहर की मेयर थी। इनने गोविंदपुरा को क्या दिया? इनने गोविंदपुरा को दिया जेके रोड, 21 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला। सीधा आरोप मेरा आपके चैनल के माध्यम से है कि 21 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाली यहीं कहीं ना कहीं महापौर रहते हैं, इनने उस जेके रोड को सत्यानाश जिसका किया, जिससे 1 लाख लोग रोज निकलते हैं। गोविंदपुरा को एक हॉस्पिटल नहीं दिया, गोविंदपुरा को एक महाविद्यालय नहीं दिया। महिलाओं की बात करती, गोविंदपुरा में एक भी कन्या महाविद्यालय है क्या? नहीं है, सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें मोटी फीस भरनी पड़ रही है। आज गोविंदपुरा नर्मदा के पानी के लिए तरस रहा है, 800 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने दिए, तुमने उस 800 करोड़ रुपए की योजना का पलीता लगाया और 250 करोड़ अपनी जेब में किए, सीधा आरोप। दूसरा, BSUP के मकान गरीबों के लिए क्या किया? जब कॉलोनी हैंडओवर नहीं हो पाई, शिक्षा लोगों को मिल नहीं पाई, स्वास्थ्य के लिए लोगों को हॉस्पिटल मिल नहीं पाया, सड़कों की हालत खराब है, मास्टर प्लान की रोडें बनी नहीं, आप नगरीय प्रशासन मंत्री रहते तो आपने गोविंदपुरा को दिया क्या? तो गोविंदपुरा को इनने दिया वंशवाद दिया, गोविंदपुरा को ये दिया कि अगले बार गौर साहब अपने टॉमी को भी खड़ा कर देंगे और बोलेंगे आप इसको वोट करना। तो कुल मिलाकर इस वंशवाद से गोविंदपुरा मुक्त होना चाह रहा है। गोविंदपुरा में कोई चुनाव नहीं हुआ, गोविंदपुरा में चुनाव दो दलों के बीच में नहीं हुआ, गोविंदपुरा में जनता और सत्ता के मठाधीशों के बीच चुनाव हुआ है। गोविंदपुरा की जनता भले ही बाबूलाल गौर पर हमेशा भरोसा करती रही है, लेकिन इलाके के लोगों का कहना है कि उन्होंने उस हिसाब से यहां विकास नहीं कराया। इस इलाके के सबसे बड़े हिस्से में अभी तक बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य केंद्र जैसी मूलभूत जरूरतों का अभाव है। वहीं इस क्षेत्र की जनता भी अब बदलाव की उम्मीद जता रही है। निश्चित तौर पर प्रगति का नियम है कि बदलाव चाहती है प्रगति भी, तो गोविंदपुरा विधानसभा भी इस बार बदलाव की ओर बढ़ती जा रही है। हम 10 बार से देखते आ रहे थे कि यहाँ पर राजतंत्र चल रहा था, अब इस राजतंत्र को लोकतंत्र में बदलने के लिए गोविंदपुरा की जनता ने आह्वान किया है और इस यज्ञ में अपनी आहुति वोट के रूप में डाली है। मुकाबला तो बहुत कड़ा है, लेकिन गौर साहब से ज़्यादा काम अगर किसी ने क्षेत्र में किया हुआ है, मैंने इनके पार्षदीय क्षेत्रों का दौरा किया, सारी चीज़ें कही, उसके बाद अपना मत इनको अपने आशीर्वाद स्वरूप और प्यार स्वरूप जैसा भी आप चाहे बोल लीजिए वैसे प्रदान किया है। विकास की बात करें तो विकास के दौर पर अगर नाम लिया जाए तो गोविंदपुरा क्षेत्र का नाम गिरीश शर्मा है, जिसने एक अच्छा विकास किया हुआ। जी नहीं, कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई इनमें कहीं किसी क्षेत्र में। सारे क्षेत्र इस वक्त जो है, जो हैंडओवर होना चाहिए कॉलोनी, वो हैंडओवर नहीं करी गई है। आज हम अपना स्वीपर लगा करके सब काम कराते हैं, वहाँ हमको पैसा देना, नाली चौक हो तो हमको स्वीपर लाना पड़ता है, 400-500 रुपया नाली चौक हटाने का देना पड़ता है। नहीं, कोई विकास नहीं करा, सिर्फ बस घर घर जा कर के शादी भी अटेंड करा है और कुछ नहीं करा उन्होंने, मेरे हिसाब से तो कोई विकास नहीं कर पाए। वहीं भाजपा प्रत्याशी कृष्णा गौर ने अपने महापौर रहने के दौरान किए गए विकास कार्य गिनाए। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के लगाए आरोपों का भी खुलकर जवाब दिया।
पिछले कई वर्षों से जिस प्रकार से इस क्षेत्र के विकास में बाबूजी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और जो जन सहयोग बाबूजी को मिला है, वैसे ही जन सहयोग की मुझे भी अपेक्षा रहेगी और वैसा ही विकास आने वाले समय में हम करेंगे। मुझे लगता है कि गोविंदपुरा में आने वाले समय में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता जो होगी वो एक सरकारी अस्पताल और सरकारी कॉलेज की रहेगी, क्योंकि अब क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और इसलिए अब सरकारी अस्पताल और एक सरकारी कॉलेज की बहुत आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी का काम है आरोप लगाना, तथ्यात्मक बात करने की उनमें कभी कोई रुचि रही नहीं है। यदि विकास की हम बात करें, मेरे 5 वर्ष के महापौर का कार्यकाल आप निकाल कर देख ले, गोविंदपुरा को ही नहीं पूरे भोपाल को जो सौगातें हमने दिए वो आज सबके सामने हैं। चाहे नर्मदा का जल भोपाल लाने की बात हो, चाहे BRTS कॉरिडोर बनाने की बात हो, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में लो फ्लोर बसों के संचालन की बात हो, वीर सावरकर सेतु के रूप में शहर की एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति हमने की, केबल स्टे ब्रिज हो, SBI बैंक का ओवर ब्रिज हो, लगातार इस भोपाल शहर में एक आदर्श राजधानी का स्वरूप देने का काम मैंने अपने महापौर के कार्यकाल में किया है। और गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की यदि हम बात करें तो मेरे महापौर कार्यकाल में गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की एक एक कॉलोनी में हमने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम किया था। आज गोविंदपुरा की किसी भी कॉलोनी में चले जाएं, आपको सीमेंट कंक्रीट की सड़कें दिखाई देंगी। नर्मदा का जल लाकर हमने कॉलोनी कॉलोनी पहुंचाने का काम किया, जो कॉलोनी शेष है वहां पर हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश यही है कि गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के हर नागरिक को उनकी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। नाला चैनलाइजेशन हमने कराया, नालियों का निर्माण कराया। कुल मिलाकर मतगणना 11 दिसंबर को होगी। गोविंदपुरा में देखना दिलचस्प होगा कि 44 साल बाद BJP अपने किले को बचा पाती है या कांग्रेस इसमें सेंध लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।